हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएस जीके एडुकेटर्स। फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज जीके के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो जब भी आए वो आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो था, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी ज्योग्राफी पर, तो आज उसका जो सेकेंड पार्ट है वो लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो टॉपिक हमारा ज्योग्राफी है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है अब, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो विच कॉन्टिनेंट इज़ कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट? तो किस कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? किस कॉन्टिनेंट को? अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अफ्रीका कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ऑफ अफ्रीका कट्स द इक्वेटर ट्वाइस? ठीक है, जो अफ्रीका का कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को दो बार जो कट करता है, क्रॉस करता है, तो कौन है वो, कौन सा रिवर है वो? कॉन्गो रिवर इन अफ्रीका। ठीक है, उसका नाम कॉन्गो रिवर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड हिस्ट्री के, जो सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? किस कंट्री की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है? तो किसकी है? कनाडा की। ठीक है, तो इस कंट्री की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री लाइन बिटवीन कनाडा एंड यूएसए कॉल्ड? तो जो कनाडा और यूएसए के बीच बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। 49th पैरेलल, ठीक है, तो इसको कहते हैं 49th पैरेलल लाइन। जो 38th पैरेलल है वो किन टू कंट्रीज़ के बीच में है बॉर्डर लाइन? नॉर्थ और साउथ कोरिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो 24th पैरेलल लाइन है वो किस में है? इंडिया एंड पाकिस्तान इन रन ऑफ कश। ठीक है, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 49th जो है वो कैनेडा और यूएसए के बीच में है, 38th नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, और जो 24th है वो है इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में इन रन ऑफ कश। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तीनों ही आपने मेमोराइज कर लेनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक इन नॉर्थ अमेरिका? ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे बड़ी स्वीट वाटर लेक है उसका क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? लेक सुपीरियर। तो इसको फ्रेश वाटर लेक भी कह देते हैं, स्वीट वाटर लेक भी। तो सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर लेक है वो लेक सुपीरियर है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल? तो जो हमारे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल है वो कौन सा है? तो वो है एंजल फॉल इन वेंजुएला। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एंजल फॉल इन वेंजुएला, वेंजुएला कंट्री में है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम? ठीक है, तो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है? नील है, नाइल जिसे बोल देते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा है वो है अमेजॉन। ठीक है, तो जो अमेजॉन है वो सेकंड लॉन्गेस्ट भी है। ठीक है, जो दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो जो अमेजॉन है वो वॉल्यूम्स के हिसाब से सबसे बड़ा रिवर है, और जो नील है वो लेंथ के हिसाब से सबसे बड़ा रिवर है, और जो अमेजॉन है वो लॉन्गेस्ट भी सेकंड पोजीशन है उसकी, जो सेकंड रैंक आता है अगर लेंथ के हिसाब से देखा जाए। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेम द कंट्री थ्रू विच बोथ इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन पासेस? अब उस कंट्री का नाम बताना है जिसमें से इक्वेटर और कैप्रिकॉन दोनों ही निकलती हैं। ठीक है, जैसे हमारे ग्लोब पर जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं उसमें से इक्वेटर होती है और कैप्रिकॉन होती है, तो ये दोनों ही पास होती हैं, वो कौन सा कंट्री है? वो है ब्राज़ील। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड? तो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है पूरे वर्ल्ड में वो कौन सा है? डेड सी। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो डेड सी है वो सबसे लोएस्ट पॉइंट है
पूरे वर्ल्ड में। तो ये कहाँ पर है? बिटवीन जॉर्डन एंड इसराइल, ठीक है, डेड सी जो है जो जॉर्डन एंड इसराइल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स एंड लेक्स? तो किस कंट्री को जो लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स एंड लेक्स कहा जाता है? फिनलैंड को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिनलैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? वो है वेटिकन सिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वेटिकन सिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज़ नोन एज वाइट कॉन्टिनेंट? तो कौन सा कॉन्टिनेंट वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? वो है अंटार्कटिका, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सारे जो स्नोई है तो उनके जो आइस के ग्लेशियर्स बने हुए हैं सारे, तो इसी की वजह से क्या है उसको वाइट कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आइस ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशियन? अब जो इंडियन ओशियन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो वो है जावा ट्रेंच। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, जावा ट्रेंच जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? सबसे बड़ा आइलैंड जो है पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? ग्रीनलैंड, ठीक है, क्या नाम है उसका? ग्रीनलैंड। और ये कहाँ, किस में, किस कंट्री के अंडर आता है? डेनमार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, तो आपने ये रट लेना है इसको, रेड क्लिफ लाइन। तो जो मैकमोहन लाइन है वो इंडिया और चाइना के जो बाउंड्री लाइन है उसको कहते हैं मैकमोहन। और डुरांड लाइन कौन सी है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड क्लिफ लाइन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, और जो डुरांड लाइन है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो इसको आपने मेमोराइज कर लेना है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर लाइन ऑफ द वर्ल्ड? तो पूरे वर्ल्ड में जो किन दो कंट्रीज़ के बीच में सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन है, सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन है, लॉन्गेस्ट, तो वो दो कंट्री हैं कैनेडा एंड यूएसए। तो इनकी जो बॉर्डर लाइन है वो सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एशियंट नेम ऑफ म्यांमार? तो जो म्यांमार है उसका जो एशियंट नेम क्या है? बर्मा, ठीक है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, जो एशियंट नेम कई कंट्रीज़ के इम्पोर्टेंट है, ये भी, जो म्यांमार का पहला नाम है बर्मा, और जो श्रीलंका का है वो सिलोन, और मेसोपोटामिया का इराक है, निप्पो जापान का है, और सियाम थाईलैंड का। ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, आपने इनको मेमोराइज़ कर लेना है, एक दो बार इसको रीड करते रहो तो आपको ये मेमोराइज़ हो जाएंगे, ठीक है। म्यांमार का बर्मा, श्रीलंका का सिलोन, मेसोपोटामिया इराक, निप्पो जापान, और सियाम जो है वो थाईलैंड का, थाईलैंड को सियाम कहा जाता था पहले, जापान को निप्पो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया? ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है इंडिया का वो क्या है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो 8 डिग्री 4 इंचज़ नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 इंचज़ नॉर्थ, जो लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू है वो 8 डिग्री 4 इंचज़ नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 इंचज़ नॉर्थ, जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो कितना है? 68 डिग्री 7 इंचज़ ईस्ट टू 97 डिग्री 25 इंचज़ ईस्ट, ठीक है, तो आपने इसको मेमोराइज़ कर लेना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है ये, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट और लैटिट्यूडिनल दोनों ही आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तो इसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया?
तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो इंडिया का जो एरिया है, जो एक्सटेंट है, वो कितना है? 3,214 किलोमीटर। ठीक है, तो 3,214 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट जो है एक्सटेंट, वो कितना है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, और जो टोटल कोस्ट लाइन है इंडिया की, वो है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, इसको भी आपने जो क्रैम कर लेना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि जो इंडिया का नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंट है वो कितना है, ईस्ट टू वेस्ट जो कितना है, और टोटल कोस्ट लाइन कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन? तो किस स्टेट की सबसे जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो किस स्टेट की है? गुजरात की। ठीक है, तो गुजरात जो है उसके जो जो स्टेट का जो किनारा है वो समुंदर के साथ जो लगता है, ठीक है, तो सी के साथ लगता है, तो इसीलिए इसकी जो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन जो गुजरात की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नेबर कंट्रीज़ आर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के कितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं? तो 7, तो उनके नाम भी पता होने चाहिए आपको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो ये 7 जो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ जो इंडिया की जो बॉर्डर लाइन लगता है, तो ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, बॉर्डर लगता है। तो जो श्रीलंका है उसके साथ जो हमारा लैंड बॉर्डर नहीं है, हमें सी रूट के थ्रू जो श्रीलंका में जाते हैं, वो भी हमारा नेबरिंग कंट्री है, लेकिन वो जो इंडिया से लैंड के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो 7 कंट्रीज़ हैं आप जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया है बॉर्डर विद पाकिस्तान? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट्स का बॉर्डर लगता है इंडिया के? तो कितने स्टेट का? 4। तो कौन कौन से हैं वो? गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये 4 जो स्टेट्स हैं इसका जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ लगता है। और जो अफगानिस्तान के साथ कौन से स्टेट का लगता है? वो सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का लगता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल क्रैम्प कर लेना है कि कौन कौन से वो स्टेट्स हैं, आपको स्टेट्स के नाम भी पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया? तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ग्लोब पर एक इमेजिनरी लाइन है, वो इंडिया के कितने स्टेट में से निकलती है? तो कितने स्टेट्स में से निकलती है? 8 स्टेट्स में। तो उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, कई बार ऑप्शन में वो सीधे जो स्टेट्स बता देते हैं, तो वो कहते हैं कि किस स्टेट में से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है नहीं गुजरती, तो आपको पता होने चाहिए सारे ही स्टेट्स। तो कौन कौन से हैं वो? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट्स हैं जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पीएस टेट में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आपने बिल्कुल इसको मेमोराइज कर लेना है। विच कंट्री हैज़ दी लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे बड़ी जो बाउंड्री है किस कंट्री के साथ इंडिया की लगती है? तो सबसे जो लॉन्गेस्ट है, जो लंबी बाउंड्री है, किस कंट्री के साथ है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है जो इंडिया का चारों तरफ से जो इंडिया के साथ जो बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो बांग्लादेश है उसका जो बॉर्डर लाइन है वो सबसे लंबा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ये भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ दी मोस्ट साउथर्न टिप ऑफ इंडियन मेन लैंड? तो जो इंडियन मेन लैंड है, जो हमारा कंट्री इंडिया है उसका जो मेन लैंड है, तो उसमें से सबसे जो साउथर्न टिप कौन सी है, मतलब जो साउथर्न लास्ट पॉइंट है हमारे कंट्री में, तो वो कौन सा है? तो वो क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कन्याकुमारी। ठीक है, जो नॉर्दर्न है वो कश्मीर, कश्मीर टू कन्याकुमारी जैसे बोलते हैं। तो जो साउथर्न मोस्ट टिप है जो मेन लैंड के अलावा, तो वो कौन सी है? इंदिरा पॉइंट, और ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, अगर साउथर्न मोस्ट टिप पूछ लिया जाए ऑफ इंडिया, ठीक है, मेन लैंड ना कहा जाए, तो आपने इंदिरा पॉइंट लिखना है। अगर मेन लैंड की पूछा जाए हो, तो आपने कन्याकुमारी बताना है।
नॉर्दर्न मोस्ट टिप कौन सी है? इंदिरा कोल, ठीक है। तो दोनों ही ये थोड़े से सेम से हैं। तो साउथर्न मोस्ट टिप जो है इंदिरा पोल है, इंदिरा पॉइंट है। जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है वो इंदिरा कोल है। और मेनलैंड की जो साउथर्न मोस्ट टिप है मेनलैंड की, तो वो कन्याकुमारी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ी जो पीक, जो सबसे ऊंची जो पीक है इंडिया की, जो वो कौन सी है? तो कौन सी है वो? गॉडविन आस्टन, ठीक है। इसको K2 भी बोल देते हैं, गॉडविन आस्टन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है वो गॉडविन आस्टन और K2 जिसे हम बोलते हैं। सो वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो गॉडविन आस्टन इंडिया की है, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो गॉडविन आस्टन है वो इंडिया की सबसे ऊंची जो पीक है, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची है वो माउंट एवरेस्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास कनेक्ट इंडिया विद चाइना, ठीक है। इंडिया को चाइना से जोड़ने वाला पास का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसको? काराकोरम पास, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंडिया को चाइना से जोड़ता है वो कौन सा पास है, उसका नाम क्या है? काराकोरम पास। जो बुर्जिल पास है वो कश्मीर टू सेंट्रल एशिया, कश्मीर को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। और जो जोजिला पास है वो श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है, ठीक है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पास हैं। तो काराकोरम पास जो है वो चाइना को इंडिया के साथ, बुर्जिल पास जो है कश्मीर को सेंट्रल एशिया से जोड़ता है, और जो जोजिला पास है वो श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। ये बहुत बार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। सो विच आर दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो इंडिया में जो सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है उसका क्या नाम है? अरावली रेंज, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली से गुजरात, ठीक है, दिल्ली से लेकर गुजरात तक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स। जो इंडस रिवर है वो कहाँ से निकलता है? तो कहाँ से निकलता है? मानसरोवर लेक, जो मानसरोवर झील है उसमें से निकलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज कॉल्ड दी सोरो ऑफ बिहार, ठीक है। बिहार का जो सोरो है किस रिवर को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कोसी को, ठीक है। जो रिवर कोसी है उसको सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है। और जो सोरो ऑफ बंगाल है वो किस रिवर को कहा जाता है? दमोदर को, ठीक है। तो इसको सोरो ऑफ बिहार और सोरो ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जो फ्लड्स आते हैं उससे बहुत ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होती है, लोगों की जो घरों में वो जो पानी आ जाता है, जो हर तो फ्लड्स आ जाते हैं, तो कई लोग बेघर हो जाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को, जो सोरो ऑफ बिहार है वो कोसी को कहा जाता है, और जो सोरो ऑफ बंगाल है वो दामोदर को कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ दी सोर्स ऑफ गंगा ओरिजन। और जो हमारा गंगा जो रिवर है वो कहाँ से निकलता है? तो कहाँ से निकलता है? वो गंगोत्री ग्लेशियर से। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ, जो गंगा है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो गंगा है वो सबसे जो लंबा रिवर है इंडिया में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी डेल्टा मेड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सा डेल्टा बनाते हैं, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। तो ये डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ये किन रिवर्स से बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र से। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। जी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, जो इंडिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सा है? गंगा। तो वॉल्यूम के हिसाब से जो लार्जेस्ट रिवर है, किस रिवर का जो वॉल्यूम है लार्जेस्ट है, वो है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना। अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ब्रह्मपुत्र जो है वो लार्जेस्ट रिवर है, और जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गंगा है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर इन तिब्बत? ठीक है, जो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, क्योंकि ये तिब्बत से होकर आता है, तो क्या नाम है इसका? सेंगपो। ठीक है, तो जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या कहते हैं? सियांग। और बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको? जमुना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एक तो तिब्बत में इसको सेंगपो कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग कहते हैं, और बांग्लादेश में इसको जमुना बोल देते हैं। ये बांग्लादेश वाला क्वेश्चन जो है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश में इसको जमुना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर्स बैंक अयोध्या इज लोकेटेड? तो किस रिवर के किनारे जो अयोध्या है, जो सिटी अयोध्या, तो किसके है? सरयू। ठीक है, सरयू जो रिवर है वो उसके किनारे है। तो जो कानपुर, वाराणसी और हरिद्वार हैं, वो तीनों ही जो सिटीज़ हैं वो गंगा के किनारे हैं। इलाहाबाद जो है गंगा जमुना का जो जहाँ पर संगम होता है, तो वहाँ पर है। और जो कोलकाता है वो किस रिवर के किनारे हैं? हुगली के। हैदराबाद जो है वो मूसी के किनारे हैं। लखनऊ जो है वो गोमती के किनारे। ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो गंगा के किनारे कौन कौन से सिटीज़ हैं? कानपुर और वाराणसी, हरिद्वार। तो जो गंगा जमुना संगम है वहाँ पर कौन सा सिटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा जमुना के संगम पर। ठीक है, कौन सा है? इलाहाबाद। तो कोलकाता जो है वो किस रिवर के किनारे? हुगली के। ठीक है, तो हैदराबाद जो है वो मूसी के, और जो लखनऊ है वो गोमती के किनारे हैं। ये आपने इसको मेमोराइज कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर्स बैंक भाखड़ा नंगल डैम मेड? तो किस रिवर पे जो भाखड़ा नंगल डैम जो बना हुआ है, किस रिवर पर? सतलुज पर। ठीक है, जो पंजाब में है। और जो दामोदर वैली वो जो डैम बना हुआ है वो एक तो वो दामोदर रिवर पर है, दूसरा वो कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, ये आपने इनको बिल्कुल मेमोराइज कर लेना है। हीराकुड किस नदी पर बना हुआ है? महानदी। ये बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, हीराकुड। ठीक है, जो पंजाब के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो सतलुज वाला जो भाखड़ा नंगल डैम है वो पूछ लेते हैं, तो हीराकुड जो है वो सेंटर के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उसमें बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो हीराकुड है वो किस नदी पर है? एक तो पता होना चाहिए, वो महानदी पर है। तो किस स्टेट में है? ओडिशा में। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर? तो गंगा रिवर की सबसे बड़ी जो ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होता है? सहायक नदी। ठीक है, जिसका पानी उस मेन जो गंगा में आ जाता है, तो वो कौन सा रिवर है? जमुना। ठीक है, जमुना जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और जो इसी के साथ कुछ और रिवर्स भी जो गंगा में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? चंबल, रामगंगा, घाघरा, गंधक, कोसी और दामोदर। ठीक है, तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आपको सभी पता होने चाहिए जो गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा? तो किस रिवर को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो किस रिवर को? गोदावरी, ऑल्सो कॉल्ड वृद्ध गंगा। ठीक है, तो इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गोदावरी। सो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया इन द वर्ल्ड? तो एरिया के हिसाब से जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा है? तो कौन सी पोजीशन है इंडिया की? सेवन्थ। ठीक है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सेकंड पोजीशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्त दुआब लाइज बिटवीन विच टू रिवर्स? अब जो बिस्त है, दुआब जो है वो किस टू रिवर्स के बीच में आता है? तो बिस्त जो है वो आपको नाम से पता चल जाता है, बी आई से ब्यास, तो और जो एस टी से सतलुज। ठीक है, तो ये ऐसे ही दो रिवर, दो आब मीन्स दो रिवर्स के बीच में। ठीक है, जो बिस्त है वो ब्यास और सतलुज, जो बारी है वो ब्यास और रावी के बीच में, और जो रचना है वो रावी और चेनाब। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन है जैसे रचना, तो आपको पता चल जाएगा कौन से दो रिवर्स के बीच में है। ठीक है,
जो चज वो चेनाब और जेलम के बीच में, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए सारे ही। जो बिस्त है वो किस, दोआब जो है वो किस टू रिवर्स में है, बारी किस में है, रचना किस में है, ठीक है। तो वैसे तो आपको जो उस वर्ड की फॉर्मेशन से ही पता चल जाएगा, तो वो किन रिवर्स के बीच में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन सा है, कुंचिकल, ठीक है। तो किस रिवर पर है, वरानी पर, और कहाँ पर है, कर्नाटका में, ठीक है। जित आपने तीनों याद रखना है, एक तो ये कुंचिकल है, ऑन रिवर वरानी और कर्नाटका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट वॉज मेड। तो नागा, जो नागा अर्जुन सागर है प्रोजेक्ट जो है वो किस किस रिवर के ऊपर बना हुआ है, किस रिवर पर है, कृष्णा पर, ठीक है, इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना उसमें से अलग हो गया है आंध्र प्रदेश से, तो ये कृष्णा रिवर पर बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट कंचनजंगा इज लोकेटेड। तो किस स्टेट में जो कंचनजंगा पीक है वो है, तो किस में है जी, सिक्किम में। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8,586 मीटर, ठीक है, 8,586 मीटर। तो जो K2 है उसकी जो हाइट क्या है, 8,611 मीटर, और ये कहाँ पर है, POK में। POK मीन्स पाकिस्तानी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर है, तो उसमें ये आती है K2। सो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, व्हाट इज़ द नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, क्योंकि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में ही आती है, ठीक है, जो नेपाल कंट्री है उसमें आती है। तो नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सागर मत्था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, सागर मत्था। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8,850 मीटर्स, ठीक है। सो जो चाइना में इसको क्या कहा जाता है, चोमो लंगमा, ठीक है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो नेपाल में से क्या कहा जाता है, ये नेपाल में तो बहुत बार पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो नेपाल है उसमें जो माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, सागर मत्था, ठीक है, और चाइना में इसको क्या कहा जाता है, चोमो लंगमा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे इस वीडियो के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 45 क्वेश्चन, ठीक है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।